हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वराज कुकिंग एंड फन। तो आप सब को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम इस जगह पर जा रहे हैं जो एक टेंपल के लिए काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे एडवेंचरस पार्क भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आज हम आए हैं हटशी टेंपल, और यहाँ पे हटशी में एडवेंचरस पार्क भी है और यहाँ स्कल्पचर्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लेक भी है जहाँ पर हम बोटिंग भी कर सकते हैं। Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to settle. और हम पहुंच चुके हैं पार्किंग पे, और देखिए यहाँ के पार्किंग का भी कितना अच्छा व्यू है। मतलब चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा है, और जिसके वजह से इस जगह की ब्यूटी और भी दोगुनी हो जाती है। I'm just as surprised as you. आज जब हम सुबह निकले थे पुणे से, तो उस टाइम पे वेदर मतलब इतना सनी था, तो यहाँ आने के बाद मतलब गजब ही नज़ारा, पूरा मौसम ही पूरा बदल गया। और क्लाउडी वेदर था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो इस वेदर के वजह से हमें थोड़े पहाड़ों के ऊपर जो आप फोग देख पा रहे होंगे वो भी हम लोग देख पा रहे थे, तो अच्छा हुआ, वेदर काफ़ी अच्छा रहा। तो और अब हम बढ़ रहे हैं टेंपल की ओर, और टेंपल तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने अच्छे लोकेशन पे इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे विट्ठल देव और रुक्मणी माता जी की प्रतिमा स्थापित करवाई गई है। श्री सत्य साईं बाबा ने करवाई थी काफ़ी साल पहले। अंदर में फ़ोटोज़ एंड वीडियोस अलाउड नहीं थे, तो मैं आपको अंदर कभी नहीं दिखा पाई। और अब इसी टेंपल के पीछे लेक है जहाँ पे बोटिंग होती है, तो उस सेक्शन में हम लोग चलते हैं टेंपल के पीछे साइड। और ये एरिया मुलशी में लोकेटेड है, तो हम लोगों को अप्रॉक्स से 2 आवर्स लगे थे वागोली से वहाँ पहुँचने में। और ये टेंपल के साइड में ये गार्डन बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि ग्रीनरी भी बहुत थी और ग्रास इतना अच्छा लग रहा था देख के, ग्रीन ग्रीन, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे तो सच में। तो हम लोग 11 बजे निकले थे, तो अप्रॉक्स 1 बजे दोपहर में पहुँचे थे, तो लंच का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर कैंटीन भी है जहाँ पर हमने पूरा लंच प्लेट खाया था, तो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अब इस स्टेयर से हम लोग ऊपर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो मतलब काफ़ी अच्छा विजुअल्स आपको दिखाई देगा। तो एक बार मैं चारों तरफ दिखाती हूँ कि मतलब ऊंचाई से पूरा लुक कैसा दिख रहा है यहाँ का। तो नीचे बच्चों के लिए भी है, फन पार्क है और काफ़ी राइड्स भी है यहाँ पे, तो बच्चे मज़े करेंगे यहाँ अगर आए तो। और ये है कैंटीन जहाँ हमने खाया था, और क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी उस दिन, तो थोड़ा हम लोग बोटिंग करना चाहते थे, बोटिंग नहीं कर पाए बारिश की वजह से। और यहाँ एडवेंचर के लिए मतलब जिप लाइन भी है और भी बहुत सारा कुछ है, तो आप लोग को अगर फन एक्टिविटीज़ पसंद है तो यहाँ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा फ्रेंड्स कि आप एक बार ही इस एरिया को ज़रूर विज़िट करें। तो अब हम चलते हैं स्कल्पचर्स वाले सेक्शन पे। तो ये पूरा स्कल्पचर से केव के अंदर बना हुआ है और मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब इतना ऑसम रहा है ना यहाँ आके, मतलब जिस आर्टिस्ट ने भी यहाँ पे ये सब कुछ बनाया है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इतनी बारीकी से सारा काम किया है और काफ़ी अच्छा रहा अंदर। तो चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। और एंट्री पे ही इन्होंने गणपति बप्पा का स्टैचू बनाया हुआ है और स्टैचू फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर है और बड़ा भी है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छोटा सा ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने मतलब पहाड़ को कट करके इतने अच्छे से नक्काशी करके एक मूर्ति बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कि और क्या क्या इन्होंने इनोवेटिव सा कुछ आइडिया लगा के क्या क्या किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शंकर जी और पार्वती माता की बड़ी सी स्टैचू बनाई है इन्होंने और ये मतलब बहुत ही ह्यूज और काफ़ी सुंदर थी। और इसके साथ ही एक एंट्री का लोकेशन था, वहाँ से हम अंदर गए तो हमने ये देखा कि बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने जो कुछ भी प्रेजेंट किया है बहुत ही औसम था फ्रेंड्स। आप लोगों को तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। मतलब पुणे में ये कुछ अलग है जो आप सबको देखना चाहिए। ये तो बिल्कुल रियल लग रहा था ये स्टैचू, एक बार के लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि रियल तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए सही में बाबा इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया ये सारा स्टैचू। मतलब सडनली अगर देखो तो लगेगा कि ये सारे लोग सच के हैं। और हर एक सीन के साथ उससे रिलेटेड उसकी स्टोरी लिख रखी है यहाँ पे, तो आप सबको पढ़ के पता चलेगा कि ये क्या क्या सीन किस लिए था, सिचुएशन सारी पता चल जाएगी पढ़ने के बाद। ये स्टैचू तो देख के मुझे सच में लगा कि कहीं कोई औरत तो बेहोश नहीं हो गई है।
और ये वाला सेक्शन तो फ्रेंड्स अल्टीमेट था। यहाँ पर भारत के मैक्सिमम महापुरुषों को दिखाने की कोशिश की गई है और अच्छी नक्काशी है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा देख के। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।